हेलो, राम राम बेबे सारिया ने और ठाकरण लोग सब आपका स्वागत है। और बेबे मैं आपके अपने संतोष ठाकरण आपका स्वागत करती हूँ। और बेबे उम्मीद करती हूँ सब राजी खुशी होगी। बेबे मैं भी राजी खुशी हूँ। और बेबे आज श्री कृष्ण जी की छठी है, आज बेबे 12 तारीख है और बेबे बहुत धूमधाम से मनावे सब। और जी अपने आड़ी मंदिर में बेबे बहुत धूमधाम से मनावेंगी। और बेबे थोड़ी बार मैं कीर्तन में जाऊँगी, थोड़ी सी देर बैठ आऊंगी कीर्तन में, क्योंकि मन लग जाएगा उस तरह थोड़ा सा नहीं होना। तो जी जी भजन कीर्तन होगा बहुत सुथरा। और पहले तो फिर के पहले तुम्हारे मंदिर में ना बेबे बहुत धूमधाम से मनाया करते, स्वाद सजावट मतलब बहुत अच्छे तरह। पर ये मैंने के है कि मैं तथा बताऊँ तो एक महीना एक हुआ हमारे पंडित जी ने गुजरे हुए, तो मतलब वो एक रौनक सोनक सी लगन नहीं पाती। वो एक मैं फील वो एक समा नहीं कह कर वो जमण नहीं पाता, तो मगर फिर भी थोड़ा सा नहीं है बेबे अपने घर सुन शस्त्र तो सारे करने पड़े से, तो बेबे सारे अपने सुन शस्त्र तो करने ही पड़े हैं। तो फिर थोड़ा बहुत तो बेबे अपना कराए आम जी से बात है, पर फिर भी एक मंदिर मन में जैसे पंडित जी के बारे में थोड़ी सी तो आया पंडितानी देखा है कि तो पंडितानी क्या सब मतलब भाई चेहरा खिलाओ एक खुशी एक वाह होया करती हर तीज त्यौहार न फंक्शन का। और यार कुछ उनका पंडिताने जी का हमारी का ना मतलब उनके हस्बैंड के जाने के बाद मतलब पंडित जी आगे जाके पूछे पंडिताने का एक्सीडेंट हो गया था, बेबे का पैर वैर टूट गया था, तो ईब थोड़ी सी नो है बैठन जोगी हुई है, तो पंडितानी भी चबा कर बैठो जा क्योंकि पंडितानी भी ना भी अधूरा सा लग गया सब कुछ है। तो ये हमारी पंडितानी आकर बैठने तो लग गई थोड़ा सा चीहा लगन लग गया है। और बेबे ने कहा अगर आँख आँख नहीं मिलाई जाए सा और हाँ वो हाल वो देखना वो मतलब वो एक जो वो है ना वो देखना मतलब एक बहुत ही दुखदाई होगा। मगर फिर भी नुक अगर अपना समाज में हाँ बालक हैं बच्चे हैं तो बेबे सब कुछ करना तो पड़ा ही है, तो बेबे धीरे धीरे भगवान की दया तो भाई पता बेबे पंडितानी ने भी हौसला मिल जाएगा थोड़ा सा धीरे धीरे समय के साथ मतलब वह में भी बदलाव आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखो दिल में कभी नहीं निकल सकते हमारे तो जो हमारे आदमी चले जा हैं, मगर हाँ अपने बालकों के लिए और बेबे अपने आगे समाज का मैं थोड़ा सा रहना पड़ा है, बालकों ने देख के खुश होना पड़ा है। तो औरत की तो जिंदगी वो भी सब नवे रहा है कि बेबे बालका भी मैं सीमित होकर रह जा है ना। और बेबे वहाँ भी क्यों ना नू का अगर एक दुख भगवान दे है तो दूसरी खुशी भी तो दे है, अगर नू देखा कि माता दुख दिया है तो यह भी देखा जैसे माता बालक बढ़िया दिए हैं है ना, वो भी तो खुश है कि भाई बच्चे दे रखे माता चे जीवन यापन करन खातर। और उससे के सारे बड़ करके सारे जिंदगी कट जा है ना। और बस में और बेबे आज कृष्ण जी की छठी है, और बेबे आज मंदिर में जाऊँगी, मंदिर में आज हमने खीर का प्रसाद बना रखा है। और बेबे आज मैंने भी घर कुछ ना बनाया, नहीं तो कृष्ण जी की छठी होया करती तो मैं भी चावल शक्कर चावल अरे मतलब बनाया करती, पर आज मेरा भी मन नहीं कराया क्योंकि बेबे आज हमारे भी साहब ने गए कई साल हो गए, तो आज 12 तारीख ने वह गए थे तो बेबे नहीं मन करा कुछ भी बनाने का। फिर आज वो है बात मेरा भी कुछ बनाने नहीं जी करा और को ना मन सा करा बस बेटा। पर हाँ ठीक है अपना बेबे खुश तो रहना पड़ा कुछ भी है तो ऐसी बात नहीं है। और बेबे गए थे हमारे जी और जो भी है ठीक है अपना नया चलता रहे भगवान की दया सही है। और ईब तब मंदिर का दिखाऊंगी मैं, मंदिर में भजन कीर्तन चल रहे हैं मतलब बढ़िया चल रहा है। अरे मैं मंदिर में जाऊँ और बेबे इतना फिर मैं तुम्हें मंदिर में जाकर दिखाऊंगी भजन कीर्तन। और मतलब जिसा भी है लुगैया ने मिलकर कर लिया, पर वो एक दिल से खुलने वाली तो बात नहीं हुई, पर हाँ नो है ठीक से। अरे बेबे मैं नहा दूंगी तैयार होंगी, अरे बेबे मैं मंदिर में जाऊंगी। और की है कि बेबे बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है, बेबे मैं अपने बड़ा बेटे खुशी करता तो मैं नहीं कर जाऊँ तो अपना दिल तो उदास है मगर है ना वो यही होता है, यही पे होता है जो भी कुछ होता है तो फेस पे तो नहीं दिखाते, मैं भी नहीं दिखाया। और कि नाम है सब बढ़िया है ऐसे चलता रहता है। अरे भाई मैं मंदिर में जाऊँ
और फिर मंदिर में तो आने के बाद करना अपने सब्जी रोटी बनाऊंगी, इतना जिजवार हो जाएगा हो जाएगी और इतने मैं अपना काम कर लूँ मंदिर में जाया और बेबे फिर मिलते हैं कल। और बेबे मैं मंदिर में आ गई और के नाम से जी सांझ होगी और ये हो गए बेबे सांझ के 7 बज रहे हैं और बेबे मैं अपना रोटी टुक्का बनाऊंगी अपने बालकों ने खवाऊँ पाऊँगी और के नाम से जी थोड़े लत्ते हैं उन्हें संगवाऊंगी गब्बा खंडा पड़ा गब्बा धोया था और बेबे फिर गब्बा हो गया है गब्बा जी आप गब्बा ही बोल गणा हो जा जब तो ये जीजू उन्हें संगवाऊंगी और बेबे रोटी टुका पाऊंगी और फिर जीजू अपना खा पी कर सोवेंगे और बेबे तमने किसा लग गया मेरा ब्लॉग बेबे जरूर बताया करो, लाइक कमेंट और शेयर कराया करो और बेबे कमेंट करके जरूर बताया करो और बेबे उम्मीद करो सारी राजी खुशी हो गए बेबे अपने खुशी पूर्वक अपने जीवन यापन करो अरे खुश रहो अरे बेबे सबने जय श्री राम बेबे राम राम।